हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनीज गार्डन में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हुए आज हम बात करेंगे अपने गुलदावरी के प्लांट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फैब का आज लगभग मेड ख़त्म हो चुका है और अब हमारे जो गुलदावरी के प्लांट्स हैं वो या तो कुछ तो सूख चुके हैं, मर चुके हैं और कुछ अभी भी मेरे चल रहे हैं। ये देखिए आप, तो इस आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने इस गुलदावरी के खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट को नेक्स्ट ईयर के लिए हम किस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो मेरे पास गुलदावरी के बहुत सारे कलर के बहुत सारे प्लांट्स थे और लगभग नवंबर से ये फ्लावरिंग कर रहे हैं कंटिन्यूसली। कुछ फ्लावर जो मैंने ये सारे स्टेम से अपने कटिंग से तैयार किए थे, लास्ट ईयर मैंने कुछ कलर लिए थे और उसको कटिंग से तैयार किया था, तो उसी से ये मैंने बनाए हैं। और कटिंग भी मैंने एक साथ नहीं लगाई, 15-15 दिन के अंतर पर लगाई है। तो नवंबर से लेके अभी फैब का मिड ओवर हो चुका है, तो अभी तक लगातार मेरे गार्डन के अंदर गुलदावरी के फ्लावर खिल रहे हैं। और देखिए अभी जैसे थोड़ा दिन का टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है, गर्मियों की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, तो देखिए हल्की सी गर्माहट आते ही वातावरण में इस तरह का ये इंसेक्ट्स है, इसका अटैक हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स पर हो जाता है। तो इसको दूर करने के लिए हमें इस पे नीम ऑयल का स्प्रे या डिटॉल को मिक्स करके, जो लिक्विड सोप है उसके अंदर डिटॉल को मिक्स करके उसका स्प्रे करें, ताकि ये फ्लावर आपके ये जो इंसेक्ट्स है ये आपके प्लांट को ख़राब ना कर सके। इनके कारण क्या होता है कि हमारे ये फ्लावर का जो प्लांट्स की पूरी एनर्जी है सक कर लेते हैं और फ्लावर को एनर्जी नहीं मिल पाती है, तो उससे हमारे जो बर्ड है इस तरह से ये बर्डिंग पूरी तरह से खिल नहीं पाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि लगभग हर दूसरे तीसरे दिन अपने प्लांट के ऊपर लिक्विड सोप या डिटॉल का लिक्विड बनाकर या नीम ऑयल का स्प्रे बनाकर इस पर स्प्रे करें और अपने प्लांट को हेल्दी बनाए रखें। वैसे तो लोग कहते हैं कि गुलदावरी का सीज़न ओवर हो गया है, लेकिन मेरे यहाँ ये लगभग अप्रैल तक फ्लावरिंग करता रहेगा। ये देखिए कितना हेल्दी प्लांट है। ये इस वाले प्लांट में मैंने ये स्प्रे नहीं किया था दिखाने के लिए, इंसेक्ट्स का अटैक दिखाने के लिए, किस तरीके से मच्छर हमारे प्लांट्स के ऊपर अटैक करते हैं। और हमेशा नीचे की तरफ अपने आप को बाहर से प्लांट बहुत हेल्दी लग रहा है, लेकिन इस तरीके से आप पलट के देखेंगे तब आपको दिखेगा। ये देखिए छोटे छोटे मच्छर इसके ऊपर कितने सारे आके चिपक जाते हैं। तो इस पर मैं अभी स्प्रे करूँगी। ये वाला प्लांट आप मेरा देख सकते हो, बिल्कुल हेल्दी है, इसके ऊपर कोई इंसेक्ट्स पेस्ट का अटैक नहीं है। तो इसके ऊपर हर दूसरे तीसरे दिन आप इस पर स्प्रे करते रहें। अगर आप केमिकल पेस्टिसाइड इस पे छिड़कना चाहते हैं तो वो भी स्प्रे कर सकते हैं, बाकी मैं तो प्योर ऑर्गेनिक इसके ऊपर स्प्रे करती हूँ, तो उससे भी मेरा प्लांट जो है हेल्दी बना रहता है। ये देखिए बिल्कुल कोई इसके एक भी सिंगल वन मच्छर इसके ऊपर नहीं है और ये अभी मेरा इसमें बर्ड आएंगे और लगभग अप्रैल तक ये फ्लावरिंग करता रहेगा। ये देखिए छोटी छोटी बर्ड यहाँ पर बन रही है। ये मेरे गुलाब खिले हुए हैं, देख सकते हैं आप, रोज़ का इस तरीके से पूरा बंचेस में खिलते हैं, बहुत हेल्दी प्लांट है। और ये पूरा एक ही प्लांट है, आप देख सकते हो कितना फैला हुआ है। ये देखिए लगभग 20 दिन से ये पूरे खिले हुए हैं इस तरीके से। इतना वेट हो गया कि नीचे झुक गया था, तो मुझे इसको एक रस्सी की सहायता से बांधना पड़ा। ये देखिए ये वाला मेरा थोड़ा पहले का है, तो इसके फ्लावर्स स्पेंड हो चुके हैं, अभी मरने लगे हैं। तो इसको किस तरीके से हम प्रिजर्व करेंगे ताकि ये हमें नेक्स्ट ईयर ये हमारा मदर प्लांट बन जाए और इससे फिर से हम हजारों पेड़ तैयार कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो आप, ये मेरा एक रेड वाली गुलदावरी है, मैरून वाली, बहुत ही सुंदर इसमें फ्लावर आते थे। मैरून के अंदर गोल्डन डस्ट था, जैसे इसके अंदर स्प्रे किया हुआ हो गोल्ड का, तो इस तरह का बहुत अच्छी वैरायटी है ये। तो इसको मैं अभी अपने नेक्स्ट ईयर के लिए किस तरीके से प्रिजर्व करूँगी, तो सबसे पहले प्रिजर्व करने के लिए जिस पॉट में ये लगा है उसको एक बार पूरा पलट लीजिए, उसकी मिट्टी को निकाल लीजिए रूट समेत। ये आप देख सकते हैं मैंने पूरा मिट्टी समेत इसको बाहर निकाल लिया है पॉट के अंदर से। अब इसको धीरे धीरे इसके जो नीचे की मिट्टी है उसको हम हटा देंगे, इस तरीके से लूज़ कर देंगे। इसमें से एक या दो प्लांट इस तरीके से, देखिए ये जिसकी रूट डेवलप हो रही है इसको निकाल लेंगे हम, इस तरीके के दो तीन प्लांट यहाँ से निकाल लेंगे। इस प्लांट को हम इस तरीके से किसी भी सिंपल छोटे पोट में, जो आपके अगर पोट आपके पास खाली नहीं है तो आप किसी पॉली बैग में, जो नर्सरी वाले पॉली बैग होते हैं ब्लैक वाले, उसके अंदर भी सिंपल गार्डन सोइल के अंदर लगाकर और इस तरीके से इसमें मिट्टी भर दीजिए। अब इसको पानी देकर अच्छे से इसमें हम वाटरिंग कर देंगे और ऐसी जगह पर रख देंगे जहाँ पर इसको, क्योंकि दोस्तों गर्मी बहुत है, अगर गर्मी से हमने अपने प्लांट को बचा लिया तो हम नेक्स्ट ईयर इसी प्लांट से हजारों पेड़ तैयार कर सकते हैं अपने गुलदावरी के।
ये देखिए हमारा ये फ्रीज़र हो गया है, इसको बाकी को मैं अपना कंपोस्ट बिन में डाल दूंगी, ये मेरा खाद बन जाएगा सूखने के बाद। और देखिए इस तरीके से ये आप चाहें तो अगर अलग अलग कलर के प्लांट्स आप प्रिजर्व कर रहे हैं गुलदावरी के तो उसमें टैग भी लगा सकते हैं। वैसे मुझे तो पहचान है अपने प्लांट्स को देख के मैं बता सकती हूँ। ये देखिए मैंने अपने जितनी वैरायटी मेरे पास थी, जितने कलर के फ्लावर थे, सबके प्लांट्स मैंने इस तरीके से प्रिजर्व कर लिए हैं। ये मेरा मैरून वाला है, मैरून गोल्ड, ये पिंक वाला है मेरा, ये येलो है, और ये वाला देख सकते हो आप, ये बिल्कुल ब्राइट येलो, बिल्कुल जो एकदम से स्पार्कल करने वाला ब्राइट येलो लेमन कलर के जो मेरा गुलदावरी था उसका है। इसकी जो लीफ के कलर से ही पता चल रहा है कि डिफरेंट वैरायटी है। और ये मेरी मिनिएचर वैरायटी का था गुलदावरी, उसका है। ये एक मिनिएचर का एक और था, ये ब्राउन का था। इस तरीके से मैंने ये कम से कम 15 वैरायटी की गुलदावरी के मैंने प्रिजर्व कर लिए प्लांट, और इसी से मैं हज़ारों प्लांट्स तैयार कर सकती हूँ आफ्टर रेनी सीज़न। रेनी सीज़न तक हमें इसे बचाना है, कटिंग करते रहें ऊपर से, और उसके बाद रेनी सीज़न के बाद इस तरीके से इसके ऊपर से छोटी छोटी स्टेम हमें लेनी है, इस तरह से सॉफ्ट कटिंग, और इसके अंदर आप इस तरीके से लगा दीजिए। तो उससे आप देखेंगे कि लगभग एक महीने के अंदर हमारे इसमें से रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद ये हमारे हजारों पेड़ हम तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो हाउ टू प्रिजर्व गुलदावरी फॉर नेक्स्ट सेशन। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।